सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारे पास आरसी 125। इस बाइक के बारे में बात करेंगे कि बाइक कैसी है, चलने में कैसी है और माइलेज इसके बारे में, हीटिंग होती है कि नहीं होती है, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरी बाइक भी मतलब मिल जाती है। सो आपको ये खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल ये क्या पैकेज है, अच्छा है कि नहीं है KTM की तरफ से। तो यही है, एक फुल रिव्यू मतलब कि रिव्यू है मेरी तरफ से, एंड एक अलग से वीडियो आपके लिए आ जाएगी, स्पेशल मतलब दूसरी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखना अगर आप इसको कंसिडर करने की सोचो तो, पूरी वीडियो देखना इस बाइक के बारे में। एंड स्टार्ट करते वीडियो। सो मैंने आपको थोड़े से शॉट्स दिखा दिए हैं, एंड अब आप इसको पूरा मतलब वॉक अराउंड दिखा देता हूँ बाइक का, कैसी है पूरे मतलब चारों तरफ से कैसी है ये बाइक। सो फर्स्ट मैं आपको थोड़ी सी बाइक के बारे में बता देता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरे फ्रेंड की है तो मैं इसकी तारीफ करूँगा, जैसी बाइक मेरे को लगी मैं उसके बताऊँगा, एंड उसको भी इतनी दिक्कत नहीं होगी इस बात से। सो जैसी बाइक है वैसी बताऊँगा। बिल्ड क्वालिटी बाइक की बहुत अच्छी है, आपको प्रीमियम फील कराती है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छी खासी बाइक मिल रही है, बहुत ही अच्छी है। मतलब कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि यार अगर ये 125 cc की बाइक चला रहे हैं, कहीं से भी नहीं लगता ये। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर की। तो फर्स्ट इसकी पावर को जज करने से पहले मैं ये बता दूँ, ये 125 cc का इंजन है तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतना तगड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स देगी या ये 0 to 100 इतनी जल्दी कर सकेगी। 125 से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही कम मतलब सीसी होती है यार 125, बट स्टिल बाइक मेरे को ठीक लगी कि हाँ अगर कोई KTM में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिनको KTM की बाइक पसंद है, तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि लगेगा इसको बाइक को चलाने में। एंड एक चीज़ के ये ग्रैब करती है अटेंशन, जहाँ भी जाएगी ये बाइक आप अटेंशन ग्रैब करेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही यूनिक दिखती है। मतलब कि ऐसी ग्राफिक्स, ऐसा कलर स्कीम कहीं भी KTM की किसी भी बाइक में नहीं है। तो RC 390 जो इनका अभी तक का फ्लैगशिप मॉडल है, अगर 790 को ना देखे अभी तक, तो उसके वो भी इसके आगे फीकी दिखेगी। मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है, एंड पावर इसमें 125 cc के हिसाब से बहुत ही ठीक है। एंड अगर आप एक बिगनर है, आपको RC मॉडल में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि फिर उसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करके आप आगे अपग्रेड कर सकते हो, 390 उससे भी आगे कर सकते हो। ये बाइक इतनी भी मतलब जो बोलते हैं कि बिल्कुल ख़त्म है, या इतनी भी वो नहीं है कि हर चीज़ तो भाई बुराई बोलने में होगी, बट ठीक है बुराई बोलने में तो हर चीज़ बेकार निकल ही जाती है, बट आपको देखना है कि आपके हिसाब से है कि नहीं। तो सो ब्रेक इस बाइक के काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, सिंगल चैनल ABS है बट स्टिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड मेरी में तो है नहीं तो मेरे को तो फील होएगा ही, ABS का फ़र्क दिख ही रहा है मेरे को, क्योंकि मेरी बाइक में है नहीं ABS। और आपको पता है ऐसे ये जो इनका थोड़ा सा टर्निंग रेडियस हमारी नॉर्मल वाली से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कम लगता है, होता भी है और लगता भी है मेरे को भाई। बाकी इतनी फन टू राइड बाइक है, बहुत ज़्यादा।
सीट हाइट की मैं बता देता हूँ, तो भाई 5'8" है, ठीक है। तो पैर देख लो, दोनों पैर कैसा आ रहे, ठीक है, दोनों सही आ रहे, तो अपने हिसाब से लगा लो। अगर 5'6" भी होगा तो थोड़े से टॉप पर नीचे करनी पड़ जाए बस, बाकी और कुछ नहीं है। सीट हाइट भी सही है बाइक की, और एग्रेसिव तो होता ही है, RC मॉडल है ये क्योंकि। सो ये रही बाइक, और इसमें है 14.3 का BHP है और 12 Nm का टॉर्क है। एंड जिस हिसाब से है भाई 125cc की बाइक है, तो इस हिसाब से इसमें स्पेसिफिकेशन है। एंड ये फ्रेंड की है मेरे, तो उनसे माइलेज वगैरह तो उनसे बता दूंगा, बाकी देखने में तो बाइक लगती नहीं है कि ये 125cc है। जिस प्राइस पॉइंट पे भी मतलब जस्टिफाई करते हैं कि प्रीमियम फील कराती है बाइक बहुत, तो पावर के हिसाब से है, बाकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है नहीं। मतलब कि सिंगल चैनल ABS है इस बाइक में, और बाकी सब है, पावर मैंने आपको बता दिए, वही ड्यूक RC 200 वाला, RC 390 वाला पावर वैसी नहीं है, बाकी आपको सब चीज़ मिलता है, और सिंगल चैनल ABS है। सो इसका अल्टरनेटिव है, अगर नहीं चाहिए KTM, मतलब कि वैसे बात तो भाई KTM में अलग आती है, फील अलग आता है चलाने में, अगर नहीं चाहिए तब भी अगर अल्टरनेटिव चाहिए तो भाई R15 V3 है, उसको भी मैंने आपको चला चलो के बता रखा है, तो चैनल पे देख लेना, एक कार्ड्स में आ जाएगा। बाकी 168 प्राइस, 168 की ऑन रोड प्राइस है यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में, तो इस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है। और प्रीमियम भाई ये है, क्या बोलते हैं, KTM यहाँ पे प्रीमियम ही बता देता है अपने आप को, तो प्रीमियम प्राइस भी आपको पे करनी पड़ जाएगी इस बाइक के लिए। बाकी है ना, ये चलती कैसी है उसकी मैं आवाज़ सुना। सो ये अपना वाला ये ड्यूक 250 200 RC 200 और RC 390 वही वाला कंसोल है, और वही सब चीज़ें ये दिखाता है, सेम टू सेम है, पूरी बाइक वैसी की वैसी दिखती है A to Z। बस इंजन में थोड़ी सी है ना, मतलब कि उसको 125cc के हिसाब से बनाया, उस हिसाब से पावर है। और वाइब्रेशन के अभी बताता हूँ। सो इस बाइक में वाइब्रेशन नाम का तो कुछ नहीं है, मतलब वाइब्रेशन तो होती नहीं है, इस पर कोई पूछे कि भाई वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वाइब्रेशन तो होती नहीं है। और इंजन अच्छा खासा स्मूद है इसका, मैं अभी चला कर आया हूँ, तो मेरे को तो कोई दिक्कत फील नहीं हुई कि भाई इंजन में ऐसा गड़बड़ है कि कोई रफ़ चल रही है बाइक, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी मैंने इसका आपको बता दिया, पूरी RC 200 RC 390 है, बस दिखती उनसे भी बढ़िया है और कम पैसों में मिलती है, पर पावर में थोड़ी सी वो है कमी, बाकी A to Z मस्त है। सो एज़ पर द ओनर, तो इस बाइक की जो माइलेज है ना वो 42 है, उनके हिसाब से इस बाइक की इतनी माइलेज निकलती है, ठीक है। तो बाकी आपकी अलग दे, वो हमें क्या पता भाई। तो एंड इस बाइक की माइलेज कम होने का एक मेन रीज़न है, जो इसका मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो जो ओनर है, वो भाई थोड़ी सी मतलब इसको तेज चलाते हैं, एंड ज़्यादा हाई स्पीड पे माइलेज आपको इतनी भी बढ़िया नहीं मिलेगी, कमी हो जाती है। एंड अब अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पे चलाते हैं 60 के आसपास, तब आपको अच्छी माइलेज निकाल के देती है बाइक, तो इसलिए माइलेज 42 तक मिलती है उनको। एंड हीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये बाइक हीट होती है, 125cc होके स्टिल ये हीट होती है, मेरे को लगा नहीं था ये हीट होएगी, पर उन्होंने बताया कि भाई ये जहाँ पे ट्रैफिक मिल जाए वहाँ पे इसका रेडिएटर ऑन हो जाता है और हीट पैर पे आ जाती है इसकी। सो यही है बाइक, इसमें आपको पावर एक बिगिनर के हिसाब से मिलती है, इतनी भी बेकार नहीं है, 125 है उस हिसाब से जस्टिफाई करती है भाई, 125 इतना हाई एंड CC में नहीं होता और ना ही इतनी पावर देगा। तो आप अगर बिगिनर हो, KTM पे इन्वेस्ट करना है, तो ये बाइक है आपके लिए। सिंगल चैनल ABS है, अच्छा डिज़ाइन है बहुत, जो कि अटेंशन ग्रैब करता है, और बाकी KTM का अलग से नाम है अपना भाई, ब्रांड आपको अच्छा मिल रहा है KTM का। तो एक ये हो गया है इसके बारे में हर चीज़। हीटिंग इस बाइक में होती है, इसकी माइलेज आपको 42 मतलब ज़्यादा मिल जाएगी, जो मैंने बताया कि जो ओनर है वो थोड़ा सा तेज चलाता है, बाकी सिटी में चलाता है तो उसको कम मिल जाती है। आपको थोड़ा आप जिस हिसाब से चलाओगे 60-70 उस हिसाब से, तो आपको और माइलेज मिल जाएगी, क्योंकि मैं 250 चला रहा था और वो 125, तो तब भी स्टिल मेरे से आगे आगे भगा रहा था बंदा, क्योंकि मैं धीरे चलाता हूँ और वो भाई तेज चलाता है बाइक। तो ये बता दिया मैंने इसके बारे में। सो स्टिल आपको अगर ऐसा लगता है कि बाइक अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करती या ओवर प्राइस है, तो थोड़ी बहुत ओवर प्राइस है, बट आपको अच्छा मतलब कि ठीक ठाक पावर मिलती है, 125cc से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल बात है भाई, अगर 125 बोल रहा है तो आप कितना उसको एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। देन बाकी सब चीज़ आपको मिलता है, आपको सेफ्टी फीचर मिलता है, आपको इस पॉइंट पे एक है कि पावर थोड़ी सी कम है, 125 मान लिया 170,000 के आसपास 125 है, पर इसमें डुअल चैनल ABS देना था, जो कि एक कॉन है इसका। एंड सेकंड है हीटिंग, ठीक है, हीटिंग इसमें होती है, मेरे को लग नहीं रहा था कि शायद ये 125cc है, कम CC का इंजन है तो हीट ना हो, बट ये हीट होती है, तो ये सेकंड इसका एक हो गया
इसके अंदर प्रॉब्लम। तो यही है ओवरऑल, अगर आपको एक बाइक चाहिए मतलब अच्छी दिखे चले, मतलब ठीक है, ये नहीं कि भागेगी ही नहीं, आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा मतलब भगाने की कोशिश करोगे तो भागेगी ज़रूर ये बाइक। एंड बाकी सब बढ़िया, आपको KTM ब्रांड मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस बाइक पे। बाकी माइलेज भी आपको ठीक ठाक देगी, 125 CC की बाइक है तो अच्छी खासी माइलेज भी निकाल देगी। बाकी से स्कूटी ये वो दूसरी चीज़ों से कंपेयर मत करना, बाइक बाइक होती है, स्कूटी अलग होती है, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं कि पावर ये है वो है, तो स्कूटी की बात अलग होती है, इन बाइकों की बात अलग होती है। तो यही है ओवरऑल पैकेज, तो मेरे को ठीक लगी। बाकी थोड़ी सी प्राइस अगर KTM 1-1.50 तक इसे करता तो बहुत सही रहता, बहुत अच्छी बाइक है। और आपको अगर मतलब ले सकते हो, इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लेना जहाँ भी आप अगर इस पे लेने की सोचो तो। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताना, एंड अगर होपफुली आपको वीडियो वैसे अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत की है इसको, एंड भाई का थैंक्स उसने वीडियो के लिए, यार वो आ गया एक ही बारी में कि भाई वीडियो बनानी थी। सो अब आपको शेयर करना है भाई, सपोर्ट करना है चैनल को, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।